स्कीम अग्निपथ के विरोध में अगर हम पटना के कारगिल चौक की बात करें तो पटना के कारगिल चौक पर सैकड़ों युवा जो हैं हाथों में भारत का झंडा लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के हाथों में बैनर लेकर यहां पहुंचे हुए। हम सीधे बात करते हैं, क्यों विरोध है अग्निपथ स्कीम? देखिए, अग्निपथ ब्रिज ये नौकरी देने की स्कीम नहीं है, ये स्कीम हमारे नौजवान भाइयों को बेरोजगार करने की नीति है। आप ही बताइए, 3 साल 4 साल तैयारी करने के बाद कोई नौकरी में जाता है फौज में, और आप उसको 4 साल के बाद बड़ी जवानी में बेरोजगार कर दीजिएगा। वो आखिर समाज में जब 21 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेकर आएगा तो किसी काबिल नहीं हो जाएगा और वो बेरोजगार हो जाएगा, और ऐसे लोग समाज के अंदर भी तनावग्रस्त और अवसादग्रस्त रहेंगे। हम कह रहे हैं जब एनसीसी का कोर्स 3 सालों में होता है तो फौज को समझने में भी 4-5 साल लगता है, और आप 6 महीने की तैयारी में भारतीय फौज में भर्ती कर रहे हैं। ये भारत के सीमा और सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है, ये फौज और सेना के जो मापदंड है वो मापदंड के साथ खिलवाड़ है। और हमारा एक आपसे सवाल है, देशवा न्यूज का एक सवाल है, जिस तरह से केंद्र सरकार ये योजना ला रही है 21 से 24 साल की उम्र में कितने युवा 12 लाख रुपए जमा कर पाते हैं जो इस स्कीम के जरिए उन्हें मिलेंगे? देखिए, सवाल पैसों की नहीं है। नहीं, हम उम्र सीमा की बात कर रहे हैं। आप बताइए कितनी उम्र है आपकी? 23 साल। कितने पैसे हैं बैंक अकाउंट में आपके? कुछ भी नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? मेरे 19 साल। कितने बैंक अकाउंट में पैसे हैं? बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस है। बट अगर हम लोग स्टूडेंट है तो बैंक बैलेंस कहाँ से होंगे हम लोग के पास? अगर केंद्र सरकार यही तो आपको समझाना चाह रही है कि एक अलग नीति के साथ, जैसे चीन में होता है, अन्य देशों में होता है, कि आप 4 साल के लिए डिफेंस में जाएं, टीआरपी बढ़ाने के लिए मत कीजिए, टीआरपी बढ़ाना चाहिए नेताओं के पास। टीआरपी की बातें नहीं कर रहे हम, सच्चाई बातें कर रहे हैं। 12 लाख वाला बता रहे हैं, सुनिए। एक नरेंद्र मोदी के जो सांसद और विधायक होते हैं, नरेंद्र मोदी के जो सांसद विधायक होते हैं वो फॉर्चुनर 24 लाख के घूमते हैं, और कहीं ना कहीं इसी के विरोध में आज पटना के कारगिल चौक पर जुटे सैकड़ों युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। मौके पर मौजूद पटना पुलिस की टीम और कई थानों के जो पुलिस की टीम है और जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, पूरी तरह से अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं कि किसी तरह की जो अशांति है शहर में न फैले, और इसको लेकर SDM और ADM स्तर के अधिकारी जो हैं लगातार पटना के कारगिल चौक सहित पटना के तमाम संदिग्ध स्थलों पर कैंप कर रहे हैं। देशवा न्यूज़ के लिए पटना से मैं नीरज त्रिपाठी।